कल सरिया की घटना को लेकर मणिपुर से जोड़ने वाले लोग एक पारिवारिक मसले में, जिसमें 4 घंटे के अंदर में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई। 80 दिनों से ज़्यादा से मणिपुर जल रहा है, 1 लाख से ज़्यादा सैनिक भेजे जा चुके हैं, उसकी जवाबदेही कौन ओन करेगा? सभी बिंदुओं पर है, सभी पहलुओं पर है, और जो अपराध हुए हैं सरकार उससे चिंतित नहीं, ऐसी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने अभी चिंता जताई थी DGP और सभी वरीय पुलिस पदाधिकारियों की बैठक में, और फटकार भी लगाई थी माननीय मुख्यमंत्री ने। अब अपराधी अपराध कर जाते हैं तो ये तो निश्चित रूप से दुखद है कि, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि जो भी अपराधी इस घटना के पीछे हैं वो आज से कल तक 1-2 दिनों के अंदर उस पर से पर्दा उठ जाएगा और अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। देखिए अब यूपी के तर्ज पर यूपी क्या कर रहा है, देश में क्या हो रहा है, सिक्किम में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, इस पर सवाल नहीं। हमारे राज्य में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारे राज्य की व्यवस्था को कैसे सुधारना है ये माननीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आप देखेंगे विधि व्यवस्था के मामले में और राज्यों के तुलना में हमारा राज्य में विधि व्यवस्था और राज्यों के तुलना में और बहुत अच्छी है और भी अच्छा किया जाएगा। मंत्री जी 5 दिन पहले जब CM चिंता करते हैं और राजधानी रांची में जहां DGP है, मुख्यमंत्री हैं, SSP 5 अधिकारी और हत्या हो जा रहा है, निश्चित रूप से मैंने कहा कि घटना दुखदाई है। मैंने बार बार कहा कि घटना दुखदाई है और ऐसी घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन अब घटना हुई है, इसकी जांच भी होगी, जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, जो भी अपराधी होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे, उन्हें सजा दिलाई जाएगी, और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है सभी जगहों पर। अब ये घटना हो गई है तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं, और आज ये बताया कि पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, सरेआम महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, सरेआम दिन दहाड़े पुलिस की SRPF की केंद्रीय सैनिक बलों की उपस्थिति में सरेआम गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, उस पर भी सवाल करना चाहिए। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE NEET की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स, टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिप्टी बाईपास। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए अमिटी यूनिवर्सिटी अपने स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, Accenture, JP Morgan, JPT, TCS, Wipro, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।